हाँ तो भाई, और उनकी सेटिंग हो तो आ गया है तुम्हारा भाई फिर से विदाउट सबसे मजबूरी वाले गेम प्ले के साथ, हिला के मतलब पीटिया हिला के। तो गाइस यहाँ पे दो बंदों को हिला दिया गया था और हम आए थे जजरे पुल। तो जजरे पुल में तुम्हें पता ही होगा कि बंदों को हिला दिया जाता है। तो गाइस सामने से पेटी में से धुआं निकल चुका है जिसको हमें लूटने की तो बहुत इच्छा है पर लूट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक भगवा बंदा आ चुका है जिसको हमें लॉबी भेजना होगा। तो देखो हमारा एम कैसा था कि हमको नहीं पता हमारा एम कैसा था, पर फिर भी तुक्के से लगा तो बंदा सीधा लॉबी चला गया। तो हमने इसको लॉबी भेजने के बाद हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा लूट मिल जाती है जिससे। हाँ तो गाइस इनको हिलाने के बाद जिन्होंने इनको हिला दिया था उनकी दोनों की पेटियाँ हम लूटने आ चुके हैं हिलाने के साथ। और हिलाते हिलाते हमें मिल चुका है यहाँ पे फ्लेयर गन। तो गाइस फ्लेयर गन मिलने के बाद हम आ जाते हैं पोचिंग की, और पोचिंग की में आने के बाद चला देते हैं अपनी फ्लेयर गन। तो गाइज़ फ्लेयर गन चलाने के बाद मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग दूंगा जिसको आप धमकी भी समझ सकते हो। तो धमकी ये है गाइज़, अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सालों सब्सक्राइब कर लो, किसका वेट कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी सेटिंग को लेके चला जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम घर में बैठ के हिलाते बैठोगे। तो गाइज़ यही वार्निंग थी। और गाइज़ हमारे डपोर का चूतिया कट चुका था, उसमें हमें लग रहा था कि हम AWM चलाएंगे पर वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है और हम हमारे दो नंबर के साथ आते हैं और इस साले दो नंबर ने सारे किल चुरा लिए है गाइज़ हमारे। और एक कुल मिलाकर यहाँ पे आने के बाद हमें एक किल मिल जाती है। तो गाइज़ एक डपोर पे आने के बाद यहाँ पे डपोर पे आने के फ़ायदे ये है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पेटियाँ देखने को मिलती है। तो देखो ये चचा हमारे सामने भागे आ रहे थे, साला सेटिंग के पास जाना चाहता है शायद। तो गाइज़ इसको सबसे पहले तुम्हारे भाई ने ऐसा स्प्रे दिखाया कि आने वाले 10 पुश्तों का कतई दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़ ऐसा ही स्प्रे होता है तुम्हारे भाई का। और तो गाइज़ मैं बताऊँगा आपको कि स्नाइपिंग हेडशॉट कैसे मार सकते हो। तो गाइज़ हेडशॉट मारने के लिए सबसे पहले आपके पास M24 या फिर Kar98 या फिर AWM होना ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ये हो गए तो आप ही AWM का हेडशॉट मार पाओगे। तो गाइस देखो तुम्हारे भाई ने तुक्के से 10-12 शॉट मारने के बाद एडिट करने के बाद ऐसे शॉट मार पाया है। तो गाइस हम हो चुके थे नॉक और दो नंबर के पास मांग रहे थे भीख। तो भीख मांगते मांगते दो नंबर को सेटिंग का वास्ता दिया और फिर हमारे रास्ते आ गया और हमारे रास्ते लगते लगते हम बच गए। तो गाइस सेटिंग का वास्ता होते ही कुछ ऐसी चीज़ है सालों, जिसको भी दे दो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो गाइस एक बंदा पीछे से हमारी गांड मारने पर तुला हुआ था जिसको हम देखो कैसा पिकाचू करेंगे। तो देखो गाइस पीक हमें देता है साला। तो जा भैया जी लॉबी। तो इतना गंदा स्प्रे दिखाया तुम्हारे भाई ने पर फिर भी उसको तुम्हारे भाई ने हिला दिया। तो गाइस हिलाने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वेयर हाउस में, मतलब स्क्वाड हाउस में। और स्क्वाड हाउस में आते ही हमें एक बंदा मिल जाता है जो कि गिली गिली सूट घाल के देखो कि तक कैसा बैठा है नीचे। तो चलो यार इसको भी निपटा देते हैं और इसको भी हिला देते हैं, उसके बाद ये खुद लॉबी में जाएगा और हिलाता बैठेगा। तो गाइस इसको हमने कहते एक ही बंदा था जिसको हमने हिला दिया। और हिलाने के बाद गाइस हम आ जाते हैं डपोर पे फिर से, मतलब दो नंबर को छोड़ के। तो गाइस दो नंबर को हम इसीलिए छोड़ के आए क्योंकि उस पर रोशानी है साले पे। तो गाइस देखो तुम्हारा भाई फिर से स्नैपिंग करेगा। तो गाइस देखो एक सांप का बच्चा कैसा लेटा हुआ। हाँ तो गाइस जाते जाते मैं आपको लॉबी जाते जाते एक ज्ञान की बात बताना चाहूँगा कि आप स्नैपिंग करते हो तो सबसे पहले आपके पास गन होना ज़रूरी है, नहीं तो बंदे आपके लाल कर देंगे पीछे से भी और आगे से भी। तो गाइस देखो तुम्हारे भाई ने सांप के बच्चे को सांप के पास भेज दिया है और उसके बाद हम चलते हैं उनके पे रश करेंगे। तो गाइस रश करने आते हैं हम और हमें कॉल आ जाता है, पर इसके बाद हमारे साथ क्या होगा तुम्हें पता ही होगा, हमारी पेटी होगी।